नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम भूमिका गुलाम आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 2 बुड्ढी का, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, उनका अभ्यास कर रहे हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट नमी नामक गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम दंपत राय था। प्रेमचंद ने उसका मूल नाम क्या था? दंपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग के साथ डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य में महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानी और नाटक लिखे थे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद की, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, होदा, मंगल सूत्र उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां से संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम, गरबा और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। काटी में प्रेमचंद ने ऐसे दहनीय मुद्दों, कलर दहनीय मुद्दों की अवस्था की ओर ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन में हर्ष का आनंद उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त है। यहाँ पर जो बुढ़ी का भी उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, वो अपने बुढ़ापे में भी आनंद करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं सकती। उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। उसकी हालात है जो वो बहुत ही खराब है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन करता है। पुनरागमन मन है यानी कि वापस आना। बुद्धि काटी में जीव के स्वार्थ के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने की के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धि काटी है उनकी चेष्टा शेष भी थी, उनको कष्ट बहुत ही आकर्षित करता है और वो रोने लगती है। रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। समस्त इंद्रियों के हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय मिल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती। यहाँ पर जो भूमिका की है उसका वर्णन किया गया है। घर में कुछ वस्तुएं होती है और बाजार से कुछ खाने की चीजें आती है तो बुढ़ी काली को कुछ नहीं दिया जाता है, उसको कुछ भी न मिलता था तो वो रे रोने लगती। पिता को क्या करती थी? रोने लगती कि जब लोग बड़े हो जाते तब उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों कैसे रोने लगते, उसे कुछ वस्तु नहीं मिलती, वैसे ही जो बूढ़े लोग होते उनका स्वभाव भी बच्चों जैसा हो जाता है। इसका वर्णन यहाँ पर देख सकते हैं। उनका रोना सिसका न साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनका जो रोना था बुढ़ी काली का वो साधारण नहीं था, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगती थी जब उसको कुछ नहीं मिलता था। आगे देखते हैं, उनके पति को स्वर्ग सिधारे में बहुत वक्त हो चुका था। जो बुढ़ी काली उसका पति का किया हुआ था उसका मुंह था। बेटे तरुण होकर बच्चन बसे थे। जो उसका बेटा था उसका भी मृत्यु हो गया था। अब एक भतीजा के सिवाय और कोई न था। जो बुढ़ी काली है उसका एक ही भतीजा था, उसका कोई न था।
उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। जो भूमिका की संपत्ति थी वो अपने जो भतीजा है उनके नाम पर लिख देती है। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। जो भूमिका का भतीजा है बुद्धिराम, जो संपत्ति लिखाते समय बहुत सारे वादे किए कि मैं तुमको सुखी रखूंगा, सुखी रखूंगा, आपको खुश रखूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। किंतु वे सब वादे केवल उन्हीं दीपों की दलालों के लिए दिखावे हुए सबल बाग थे। सबल बाग यानी झूठे अपने जो होते दिखावे के लिए झूठे वादे थे, ये सब हम आगे देखेंगे। यदि भी उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी तथा का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था, जो वादे किए थे वो तो कुछ वादे निभाए नहीं थे, पर जो भूमिका को जो पेट में भोजन दे वे भी ठीक से मिलता न था, वो बहुत ही कठिनाई से उनको मिलता था। लड़कों का बुद्धा से स्वाभाविक विदेश होता है, विदेश यानी विरोध पे ही है। और फिर जब माता पिता या यह रंग देखते हैं तो बुद्धिकारी को और सताया करते, कोई छुट्टी काट कर पाता, कोई उन पर पानी उंगली कर देता। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता का ही अनुकरण करते, जो माता पिता जो बूढ़े लोग जैसे वर्तन करते वैसे ही बच्चों का ने करते। यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि जो कभी बच्चों कभी पानी की उंगली कर देते, काटी चीख मार कर रोती, तब जो है बुद्धि का भी चीख मार कर जोर जोर से रोने लगते। यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती थी, रोती है एक वह उनके संताप और आर्तना आर्तना यानी दुख भरी चीख और कोई ध्यान नहीं देता। जो बुद्धि का की जो दुख भरी स्थिति उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। जो बुद्धिराम की छोटी लड़की थी वो बुद्धि काकी की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चले ना बुद्धि काकी के पास देखकर खाया करती थी। यदि उसका रक्षा का यानी सुरक्षित स्थान और यदि भी काकी की शरण उनकी लोकता यानी लोग के कारण नहीं पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ मुकुलता ने दोनों में स्वानुभूति का आरोपण कर दिया है। आगे देखते हैं, रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर सेनाएं बज रहे थे और गांव के बच्चों का झुंड जिसमें पूर्ण नेत्रों से गान का रसास्वाद कर रहा था। रसास्वाद यानी आनंद, जो बुद्धिराम उनके घर पर क्या सेनाएं बज रही यानी कि उत्सव मनाया जाता था। आगे देखते हैं, आज बुद्धिराम के बड़े वे लड़के मुखराम का तिलक आया, तिलक यानी सगाई थी। जो बुद्धिराम है उनका बड़ा बेटा यानी मुखराम की सगाई थी। यह उसी का उत्सव है, जो सगाई बच रहे थे वो किसी का उत्सव था, बुद्धिराम के लड़के का। घर के भीतर स्त्रियां गा रहे थे और उनको मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध व्यस्त थे, प्रबंध यानी व्यवस्था में व्यस्त थे। भुट्टियों पर कढ़ाई चढ़े थे, जो खाना बन रहा था उस बन रहा था, एक में पूड़ियों और कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक थी और क्या निकल रही थी, पूड़ी और कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पीतल में मसालेदार सब्जी पक रही थी और घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली चुकी हुई थी। यहाँ पर क्या रस होती है उसको बना रहे, उसका वर्णन कर, जो खाना बनाने जाते सोनी रसोई
उनकी सगाई है, इसलिए अच्छे अच्छे खाना बनाए जा रहे थे, उसका वर्णन किया गया है। बुढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, ये सब खाना बन रहा था तब बुढ़ी काकी कहाँ थी, कोठरी में बैठी हुई थी, यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया। वो मन में सोच रही थी कि इतनी देर हो गई अभी तक कोई भोजन लेकर मेरे लिए आया नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सुगंध के डर से वे रो न सके। वो मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ पर सब लोग भोजन कर ही आए, यह सोचकर उसको रोना आया, लेकिन रो नहीं सकती थी। वो उत्सव ही उत्सव का प्रसंग था, यानी अच्छा प्रसंग था, इसलिए वो अब सुगंध नहीं कर सकती और अपने आंसू को रोकती है। बुढ़ी काकी की कल्पना में पुरियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। जो खाना बन रहा था उसको बुढ़ी काकी को क्या आने लगती है, खुशबू आने लगती है और उसका मन लग जाता है। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर ले क्यों न चलकर कामाने के सामने बैठूं, यहाँ से क्या सकती बूढ़ी, क्यों मैं जरा कोठरी से चलकर जो जहाँ खाना बनता है वहाँ पर चलकर बैठूं, ऐसा वे सोचती है। इस प्रकार निर्णय करकर बूढ़ी काकी अकुट में बैठ कर अकुट यानी के घुटन के मारे बैठ कर मुद्रा हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे देखते हुए कढ़ाई के पास आ बैठी। वो धीरे धीरे अपनी कोठरी से निकल कर जो जहाँ खाना बन रहा था वहाँ आकर बैठ जाती है। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले को मुंह समूह बैठने में होता है। यहाँ पर जो भूखा होता है वो खाना लेकर उसे सुख मिलता है, वैसे ही बुढ़ी काकी को खाना देकर बहुत ही आनंद होता यानी सुख मिलता है। आगे देखते हैं, बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। जो बुद्धिराम उसकी पत्नी का नाम क्या था, रूपा। कभी उस इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में भी, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार जाती, बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, जुझलाती थी, उठती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। जो बुद्धिराम की पत्नी रूपा है वो बहुत ही कामने वैसे उसका वर्णन किया गया है। इस अवस्था में उसने बुढ़ी काकी का कटाई के पास बैठे देखो तो वो जल उठी। बुढ़ी काकी का कटाई के पास वो देख कर वो जल उठी और वो गुस्से होने लगती है, क्रोध न रोक सका उसका। जिस प्रकार मेटर के केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बुढ़ी काकी पर झपटती और उन्होंने दोनों हाथ से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आकर के पेट या पार यहाँ आके पी के तुम बुढ़ी काकी को रूपा के तुम यहाँ के बड़े के पास आकर बैठे हो, इतनी मुझे पेट में आग लगी है, कोठरी में बैठे हुए क्या तो क्या तुम दम घुटता था यहाँ के लिए रूपा बुढ़ी काकी से, क्या तुम्हारा जो कोठरी में बैठना तुझे क्या घुटना लगता था, दम घुटता था तुम्हारा, वो उसे होने लगती है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य न हो सका, यहाँ उसे होती है अभी तो मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया और भगवान को भी भोग नहीं लगाया, तब तक तुम्हारे में धीरज नहीं है, तुम धीरज नहीं कर सकती हो, ऐसे में गुस्से होती और उसको बता दिया। बुढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, वो सिर उठाकर वो न बोल सकती और न रो सकती है, चुपचाप देखती हुई अपनी कोठरी में चली गई। वो बुढ़ी काकी वो निराश होकर क्या अपनी कोठरी में जाकर बैठ जाती है।
भोजन तैयार हो गया। आंगन में पतले पड़ गए और मेहमान खाने लग गए। और भोजन तैयार हो जाता है और आंगन में सभी मेहमान खाने लग गए। यहाँ पर जो दीपिका की अवस्था है वो मोमबत्ती दे रही है वो हम देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आगे का